वेल हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में। और गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टील टाइप पोकेमोन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप में से एक है और स्टील टाइपिंग में काफ़ी सारे पावरफुल पोकेमोन भी शामिल है। तो यस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट या कहे बेस्ट स्टील टाइप पोकेमोन्स के बारे में। और गाइज, मैं पहले ही बता दूं कि इन पोकेमोन्स को हम इनके अटैक, एनिमे पावर और बेस टैग पर जज करने वाले हैं। तो यस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस घंटे को ऑल पे सेट कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। नंबर 10, सीजोर। सीजोर एक स्टील और बग टाइप पोकेमोन है जनरेशन 2 से, जो कि एवोल्यूशन फॉर्म है साइथर का। बात करें बेस टैग की तो सीजोर का बेस टैग है 500। और यह गौर करने वाली बात यह है कि बेस टैग में सीजोर का जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि सीजोर एक फिजिकली अटैकिंग पोकेमोन है। और सीजोर एक मेगा एवॉल भी हो सकता है। मेगा एवॉल होने के बाद सीजोर की पावर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और एनिमे की बात करें तो एनिमे के अंदर सीजोर ने कई सारे पावरफुल पोकेमोन को डिफीट किया है। सो नो डाउट कि सीजोर एक बहुत ही पावरफुल स्टील टाइप पोकेमोन है। और बात करें अटैक की तो सीजोर को काफ़ी सारे पावरफुल मूव्स आते हैं, लाइक हाइपर बीन, गीगा इम्पैक्ट, मेटल गॉ और ब्रूटल स्विंग और टेल व्हिप। टेल व्हिप मूव इस्तेमाल करने के बाद सीजोर की स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 9, स्टीलिक्स। स्टीलिक्स एक स्टील और ग्राउंड टाइप पोकेमोन है जनरेशन 2 का, और ये बोलता है ऑनिक्स से। बेस टैग की बात करें तो स्टीलिक्स का बेस टैग है 510। और ये गौर करने वाली बात है कि स्टीलिक्स का जो बेस टैग है उसमें उसका डिफेंस काफ़ी इम्प्रेसिव है। और ये बात साबित करता है कि स्टीलिक्स एक फिजिकली बहुत ही पावरफुल पोकेमोन है। और एनिमे के अंदर स्टीलिक्स ने कई सारे पावरफुल पोकेमोन को बैटल में डिफीट किया है। और स्टीलिक्स मेगा इवॉल्व भी हो सकता है। मेगा इवॉल्व होने के बाद स्टीलिक्स की पावर और डिफेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और अटैक की बात करें तो स्टीलिक्स को काफ़ी सारे पावरफुल मूव्स आते हैं, लाइक हाइपर बीन, रॉक थ्रो, अर्थ क्विक, गीगा इम्पैक्ट, जायरो बॉल, फ्लैश कैनन, आयरन टेल और भी कई सारे मूव्स। सो नो डाउट कि स्टीलिक्स एक बहुत ही पावरफुल स्टील टाइप पोकेमोन है, इसलिए वो आज की हमारी लिस्ट में नंबर 9 पोजिशन डिजर्व करता है। नंबर 8, लुकारियो। लुकारियो एक स्टील और फाइटिंग टाइप पोकेमोन है जनरेशन 4 से, जो कि इवॉल्व होता है रियोलू से। बात करें बेस टैग की तो लुकारियो का बेस टैग है 525। और यह गौर करने वाली बात यह है गाइज कि लुकारियो का जो बेस टैग है उसमें उसकी अटैकिंग पावर बहुत ही इम्प्रेसिव है। और ये बात दर्शाती है कि लुकारियो एक ऑफेंसिव यानी कि अटैकिंग पोकेमोन है। लुकारियो का जो मेगा एवोल्यूशन फॉर्म है वो भी हम कालो सीजन में देख चुके हैं, और उसमें कालो सीजन में उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव दिखाई गई है। और अटैक की बात करें तो लुकारियो को काफ़ी सारे पावरफुल मूव्स आते हैं, लाइक बोन रश और ऑरा पावर और रिवेंज। और लुकारियो का जो पहली बार अपीयरेंस हुआ था वो हुआ था पोकेमोन की मूवी द मिस्ट्री ऑफ लुकारियो में। और लुकारियो के पावर का अंदाज आप इससे लगा सकते हैं कि उस मूवी में लुकारियो ने अकेले ही पूरे लेजेंडरी ट्रियो मेंबर को बैटल में डिफीट किया था। सो नो डाउट कि लुकारियो बहुत ही पावरफुल एक स्टील टाइप पोकेमोन है, इसलिए वो आज के हमारे लिस्ट पे नंबर 8 पोजीशन बिल्कुल ही डिजर्व करता है। नंबर 7, एजे क्लैश। एजे क्लैश एक स्टील और गोस्ट टाइप पोकेमोन है जनरेशन 6 से, जो कि एवोल्यूशन फॉर्म है द डबल का। और बात करें फॉर्म की तो एजे क्लैश के पास दो फॉर्म है, एक है ऑफेंसिव यानी कि अटैकिंग और एक है डिफेंस फॉर्म। अपने ऑफेंसिव फॉर्म में इसकी जो अटैकिंग पावर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और इतनी हद तक बढ़ जाती है कि वो किसी लेजेंडरी पोकेमोन को भी मैच कर सकती है। और डिफेंस फॉर्म में आने के बाद एजे क्लैश पूरे पोकेमोन वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज़्यादा डिफेंस वाला पोकेमोन बन जाता है डिओक्सिस के बाद। और इन दोनों फॉर्म्स के कॉम्बिनेशन की वजह से ही एजे क्लैश एक बहुत ही पावरफुल स्टील टाइप पोकेमोन बन जाता है। और नो डाउट कि एजे क्लैश आज की लिस्ट में नंबर 7 पोजीशन बिल्कुल ही डिजर्व करता है। नंबर 6, रजिस्टील। रजिस्टील एक प्योर स्टील टाइप लेजेंडरी पोकेमोन है जनरेशन 3 से, जिसका पहली बार अपीयरेंस हुआ था पोकेमोन की मूवी द मिस्ट्री ऑफ लुकारियो में। इस मूवी में रजिस्टील का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। और रजिस्टील की बेस टैग की बात करें तो रजिस्टील का बेस टैग है 580, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। और दोनों में ही इसकी जो डिफेंसिव पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। और क्योंकि रजिस्टील एक प्योर स्टील टाइप पोकेमोन है, इसलिए उसे कुल मिलाकर 11 टाइप के अगेंस्ट एडवांटेज मिलता है।
और इन्हीं सब रीजन की वजह से रिजस्टिल आज की हमारी लिस्ट में नंबर 6 पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 5 एग्रोन। एग्रोन एक स्टील और ग्राउंड टाइप का पोकेमोन है जेनरेशन 3 से, जो कि इवॉल्व होता है लैरियन से। बात करें बेस टैक की तो एग्रोन का बेस टैक है 535, जो कि सचमुच काफ़ी अच्छा है। और अगर एग्रोन के बेस टैक में देखें तो इसका फिजिकल अटैक और डिफेंस बहुत ही इम्प्रेसिव है। और एग्रोन एक फिजिकली पोकेमोन है और फिजिकली एग्रोन बहुत ही पावरफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एग्रोन मेगा इवॉल्व भी हो सकता है और मेगा इवॉल्व होने के बाद एग्रोन की पावर बहुत ही इंक्रीज हो जाती है। और इसके पास एक रॉक हेड नाम की एबिलिटी है जो कि उसे और भी ज़्यादा पावरफुल एक स्टील टाइप पोकेमोन बनाता है। नंबर 4 मेटाक्रॉस। मेटाक्रॉस एक साइकिक और स्टील टाइप सुडो लेजेंडरी पोकेमोन है जनरेशन 3 से, जो कि एवोल्यूशन है मेटेंग का और ये बेल्टेंग का फाइनल एवोल्यूशन फॉर्म है। मेटाक्रॉस मेगा इवॉल्व भी हो सकता है और मेगा इवॉल्व होने के बाद मेटाक्रॉस की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है और अटैक और डिफेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। बात करें स्टैक की तो मेटाक्रॉस का जो स्टैक है वो है 600। और गाइज मेटाक्रॉस की पावर का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि मेगा एवोल्यूशन स्पेशल सीरीज में एक्स वाई में जहाँ पर सारे पोकेमोन अनकंट्रोल हो गए थे, वहाँ पर मेटाक्रॉस ने सिर्फ एक ही मीटियोर मैश की मदद से काइगर को कुछ देर के लिए नॉकआउट कर दिया था। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेटाक्रॉस कितना पावरफुल पोकेमोन है। बात करें अटैक की तो मेटाक्रॉस को काफ़ी सारे पावरफुल मूव्स आते हैं लाइक हाइपर बीन, फ्लैश कैनन, हैमर आर्म, गीगा इम्पैक्ट और इसका सबसे पावरफुल मूव है मीटियोर मैश। नंबर 3 सोलगैलियो। सोलगैलियो एक साइकिक और स्टील टाइप लेजेंडरी पोकेमोन है जनरेशन 7 से और ये कॉस्मो का फाइनल एवोल्यूशन फॉर्म है। सोलगैलियो के पास इतनी पावर है गाइस कि अगर वो चाहे तो वो सन तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये वर्म होल भी क्रिएट कर सकता है। सोलगैलियो के पास जो बेस टैक है वो है 680 और जहाँ इसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है बेस टैक में हम देख सकते हैं कि इसका अटैक डिफेंस और जितने भी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और सोलगैलियो पास कई सारे पावरफुल मूव्स भी है पर सोलगैलियो का सबसे पावरफुल जो मूव है वो है उसका सिग्नेचर मूव सन साइन स्ट्राइक। और गाइज फैक्ट की बात तो ये है सोलगैलियो का जो मूव है सन स्ट्राइक ये पूरे पोकेमोन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल स्टील टाइप मूव है। नंबर 2 डक्स मेन नेक्रोजमा। ये एक स्टील और साइकिक टाइप लेजेंडरी पोकेमोन है जनरेशन 7 से। जब नेक्रोजमा सोलगैलियो के साथ फ्यूज होके उसकी सारी पावर छीन लेता है तब वो नेक्रोजमा में इवॉल्व हो जाता है और फ्यूज होने के बाद इसकी पावर पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। डक्समैन नेक्रोजमा का जो बेस टैक है वो है 680 और इसका जो बेस टैक है यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल अटैक इसका बहुत ही इम्प्रेसिव है। और डक्समैन नेक्रोजमा के पास दो सिग्नेचर मूव है, पहला है प्रोटोन बीन और जो दूसरा है वो है प्रिज्मेटिक लेजर बीन। गाइस नेक्रोजमा बहुत ही पावरफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जहाँ पर सिर्फ उसने एक ही हिट से पूरे मीटियोर तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। नो डाउट कि नेक्रोजमा जब डक्स में नेक्रोजमा में इवॉल्व होता है तब उसकी पावर पहले से और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसलिए वो आज की हमारी लिस्ट में नंबर 2 पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 1 डायलगा। डायलगा एक स्टील और ड्रैगन टाइप लेजेंडरी पोकेमोन है जनरेशन 4 से। डायलगा का पहली बार अपीयरेंस हुआ था द राइज ऑफ डार्करा में, दूसरा अपीयरेंस हुआ था पोकेमोन की मूवी आरसीएस द जीवन का ज्वेल में और तीसरा अपीयरेंस हुआ था हुपा एंड द क्लैश ऑफ एज वाली मूवी में। तीनों मूवी में ही डायलगा का परफॉर्मेंस बहुत ही इम्प्रेसिव था। डायलगा का जो स्टैक है वो है 680 और इसके स्टैक में डायलगा का जो फिजिकल अटैक है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। गाइस डायलगा के पास इतनी पावर है कि वो टाइम के आर पार जाकर टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। और डायलगा का जो सबसे पावरफुल मूव है वो है उसका सिग्नेचर मूव रोर ऑफ टाइम। सो नो डाउट कि डायलगा पूरे पोकेमोन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल स्टील टाइप पोकेमोन है और सबसे बेस्ट है, इसलिए वो आज की हमारी लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन बिल्कुल ही डिजर्व करता है। तो गाइस यही थे हमारे टॉप 10 की स्टील टाइप पोकेमोन बेस्ट की लिस्ट। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये लिस्ट पसंद नहीं आई तो आप कमेंट करके अपनी खुद की लिस्ट मुझे बता सकते हैं। एंड गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही पोकेमोन की वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। और अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो
मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।